सपा ने किया सांगठनिक बदलाव तो हो गया हंगामा। पार्टी के पुराने साथियों ने शुरू कर दिया इस्तीफों का दौर। अखिलेश यादव के फैसले के बाद पार्टी के नाराज नेताओं ने थमा दिया इस्तीफा। इस नेता का कद बढ़ाने से नाराज है सपाई। देखिए क्यों खफा है नेता और क्यों चुनावी दौर में इस्तीफों की लगी है जड़ी। जिससे थी शिकायत आखिर उसी नेता को क्यों अखिलेश ने दिया मौका। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता बागी होते जा रहे हैं और बागी होते नेता अखिलेश यादव की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ विरोधियों की साजिश और दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं के बागी तेवर, कहीं सपा का खेल न खराब कर दें। अब एक साथ पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा क्या दिया कि हंगामा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने एक नेता को लेकर बड़ा फैसला क्या किया कि पार्टी में उसका असर भगदड़ के रूप में देखने को मिल रहा है और पार्टी में लोग बड़े पैमाने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नेता को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है उसी नेता पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और ऑडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन पार्टी ने उसका कद बढ़ा दिया तो फिर हंगामा बरप गया। मामला थोड़ा पेचीदा है लेकिन सवाल खड़े करता है। बताएंगे कि कौन नेता है और किसने इस्तीफा दिया है, लेकिन हालात ऐसे क्यों बने पहले ये जान लेते हैं। मामला सुरमा नगरी बरेली से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के जिला और महानगर संगठन की कमेटियों का ऐलान हो गया है। इस कमेटी का ऐलान होते ही बरेली सपा में कलह शुरू हो गई है। सपा संगठन से पुराने पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन पार्टी में टिकट के नाम पर वसूली करने वालों का कद बढ़ाया गया। सबसे अधिक नाराजगी एम टॉनिक को लेकर है। ये पिछली बार महानगर संगठन में सचिव थे। इनका नगर निगम चुनाव में एक ऑडियो वायरल हुआ था। सपाइयों ने ही हाई कमान से टिकट के नाम पर एम टॉनिक यानी मनी देने की बात कहने की शिकायत की थी। ऑडियो में टिकट मिलने का भरोसा दिलाया जा रहा था। यह ऑडियो काफी वायरल हुआ था। इसके साथ ही सपा नेताओं ने टिकट के नाम पर रुपए लेने की पुष्टि ऑडियो से होने के बाद आरोप लगाए थे, लेकिन एम टॉनिक वाले नेताजी का कद बढ़ा दिया गया है। उनको महानगर सचिव से महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसमें निकाय चुनाव में एम टॉनिक की अच्छी उगाही करके देने के बाद तरक्की होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा के जिला और महानगर संगठन की घोषणा होने के बाद सपाइयों के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी के पुराने और वफादार लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफे भेजे हैं। सपा के 20 साल पुराने नेता और महानगर सचिव श्री ओम जय मृत्युंजय मिश्रा एडवोकेट ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो सपा के 20 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी के प्रदेश सचिव से लेकर तमाम फ्रंटल संगठनों के पदों पर रहे हैं। सपा अधिवक्ता सभा में जिला महासचिव समेत तमाम पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ ही बरेली बार एसोसिएशन संयुक्त सचिव के पद पर हैं। पार्टी के जेल भरो आंदोलन और तमाम धरना प्रदर्शनों में शामिल रहने की बात उन्होंने कही। उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 125 कैंट विधानसभा के अध्यक्ष गोपाल कश्यप ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पार्टी में काम किया है। लोहिया वाहिनी समेत सपा संगठन के तमाम पदों पर रहे थे, संगठन में नजरअंदाजी के चलते इस्तीफा दिया है। भोजीपुरा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जावेद बारसी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही तमाम अन्य लोगों ने भी पार्टी को इस्तीफा भेजा है, तो वहीं कुछ लोगों ने पार्टी से दूरी बना ली है। सपा की नई कमेटियों में जातीय संतुलन न बनाए रखने का भी आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही एक ही नेता के इशारे पर उनके लोगों को संगठन में पद देने के आरोप लगे हैं। पार्टी के पुराने नेताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसको लेकर भी नाराजगी है। ये नाराजगी आने वाले चुनाव में और बढ़ने की उम्मीद है। सपा के जिला और महानगर संगठन में दागी नेताओं को पद देने की बात सामने आई। इसके बाद पार्टी के तमाम नेता नाराज दिखे। पार्टी के नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ इस्तीफे दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली का माहौल है। जिला इकाई में भी खलबली है और जिला अध्यक्ष भी हैरान है कि आखिर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, अपनी बात मंच पर आकर क्यों नहीं की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार संपर्क किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। जैसे ही उनकी तरफ से कोई इशारा मिलेगा उसके बाद नाराज नेताओं से बातचीत की जाएगी और उनको पार्टी में साथ रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस्तीफों पर इस्तीफों का दौर जारी है। इससे समाजवादी पार्टी में खलबली है और विरोधी इससे खुश नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि अखिलेश कैसे अपने नेताओं को संभालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।